दोस्तों वेलकम टू आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। मैं अमरजीत सर, आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ ट्राइंगल्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन ट्राइंगल के बारे में अगर हमें ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ट्राइंगल्स किसको कहते हैं, कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, और कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रोन्स प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल हम किसको कहते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ट्राइंगल्स के, तो ट्राइंगल्स आप लोगों ने पहले बहुत ही पहले से सीखते आ रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होगे कि ट्राइंगल्स किसको कहते हैं। बस आप यही बोलोगे कि जिसमें थ्री साइड होते हैं उनको हम ट्राइंगल कहेंगे, एसेट्रा एसेट्रा। तो हम ट्राइंगल्स अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं ट्राइंगल्स का, तो हम एक सिंपल सा हम एक स्टेटमेंट याद रखेंगे कि ए सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन विच है थ्री साइड्स, इज कॉल्ड ट्राइंगल, राइट। ऐसा सिंपल क्लोज पॉलीगॉन जिसमें तीन साइड होते हैं उन्हें हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, सिंपल क्लोज पॉलीगॉन का मतलब हो गया सिंपल हो और वो क्लोज्ड हो। पॉलीगॉन मतलब लाइन सेगमेंट से ज्वाइन होना चाहिए, उसमें कहीं पे कर्व नहीं होना चाहिए। तो ये सपोज कर लेते हैं हम ए बी सी, एक सिंपल क्लोज पॉलीगॉन हो गया, इसमें थ्री साइड है, दैट मीन्स ये हो गया ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आपको मिलेगा क्या क्या, तो अगर हम बात करें इसमें, तो आपको इसमें फर्स्ट तो मिलेगा थ्री साइड, इसमें थ्री साइड्स आपको मिलेंगे, कौन कौन सा, ए बी, बी सी और सी ए। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, बी ए बी सी बी ए सी, कुछ भी लिखो क्योंकि हम लाइन सेगमेंट को लिख सकते हैं। दूसरा आपको क्या मिलेगा इसमें, सेकेंड आपको इसमें मिलेगा थ्री एंगल्स, कौन कौन सा एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, राइट। थर्ड आपको इसमें क्या मिलेगा, थर्ड यहां पे आपको मिलेगा थ्री वर्टाइसिस, थ्री वर्टाइसिस ए बी और सी, जिस पॉइंट से ये ज्वाइंट होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम वर्टाइसिस कहते हैं। सो ट्राइंगल्स का आई थिंक डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा कि ट्राइंगल्स किसे कहेंगे, उसमें क्या क्या होता है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं कि कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल क्या है। तो कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल है क्या, तो कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल मतलब हो गया, पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रोन्स का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रोन्स का मीनिंग होता है इक्वल, कॉन्ग्रोन्स का मीनिंग होता है इक्वल, यानी दो ट्राइंगल अगर इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रोन्स, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोन्स है। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोन्स है, हम उस पर आते हैं कि बाद में आते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल कैसे पता करेंगे। हम पहले ये पता कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रोन्स हैं तो उसमें क्या क्या हमें मिल सकता है। जैसे मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लूँ, एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ओके। अगर सपोज कर लो कि आपको ये पहले से ही दिया गया है कि ए बी सी कॉन्ग्रोन्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रोन्स का सिंबल है, ये याद रखना, राइट, ये कॉन्ग्रोन्स का सिंबल है। अब अगर मान लो कि ये पहले से हमें दिया गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोन्स हैं, तो अब आपको यहां से मिलेगा क्या क्या, यहां से आपको मिलेगा कि एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंड इतना ही नहीं, हमें अभी और कुछ भी मिलने वाला है इसमें। और क्या मिलेगा इसमें कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो ये हमें सिक्स टर्म्स मिलते हैं कि सभी एंगल सेम होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, हमें पता कैसे चला कि यही यही इक्वल होगा? हो सकता है कि एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप कॉन्ग्रोन्स लिखते हो तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि एंगल ए पहले दिया गया है, एंगल पी पहले दिया गया है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल पी ही इक्वल होगा। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल आर ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस टर्म पे जिस ऑर्डर पे ए बी सी है उसी ऑर्डर पे पी क्यू आर है। तो इसीलिए जिस ऑर्डर पे होगा, जैसे सेकेंड ऑर्डर सेकेंड प्लेस पे बी है तो सेकेंड प्लेस पे क्यू है, इसलिए बी और क्यू इक्वल है। इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हो साइड के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको मिलता है ए बी तो आपको मिलेगा क्या, पी क्यू। सेकेंड आपको मिलता है बी सी तो क्या मिलेगा आपको, क्यू आर। इसी तरह से अगर आप लेते तो ए सी और पी आर, तो ए सी और पी आर। इसी को हम कहते हैं करस्पोंडेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसे हम, करस्पोंडेंस पार्ट ऑफ राइट। अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रोन्स है, दैट मीन्स करस्पोंडेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रोन्स दिया गया है तो आप इस करस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल आर इक्वल इस स्टेटमेंट का यूज करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। अब इतना बड़ा हम लिखने नहीं जाएंगे, कहीं पर भी कुछ भी होगा तो हम उसे शॉर्ट में लिखेंगे, सी पी सी टी, सी पी सी टी राइट। तो इस तरह से हम इसे सी पी सी टी बोलेंगे कि करस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल। ओके, चलो अभी ये हमें पता चल गया कि अगर करस्पोंड कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल्स हो तो हमें क्या क्या इक्वल मिल सकता है। लेकिन हम बताएंगे कैसे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोन्स है, तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ कंडीशन है, हम देखते हैं क्या है कंडीशन। तो अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका एस ए एस। एस ए एस का मीनिंग क्या हुआ, एस ए का एस ए एस का मीनिंग है साइड एंगल साइड राइट। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये फर्स्ट आपका जो हो गया, ये एस का मीनिंग साइड हो गया, ए का मीनिंग एंगल हो गया, और ये इसका मीनिंग साइड हो गया। तो इस तरह से आप शॉर्ट में उसे लिखोगे एस ए एस। चलो ये तो हो गया कि एस ए एस कॉन्ग्रोन्स रूल से हम ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, लेकिन हम इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिससे हमें समझने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। चलो अब आपको इसे कैसे बताना है कि हाँ ये कॉन्ग्रोन्स है या नहीं है। तो इसे कॉन्ग्रोन्स बताने के लिए आपको करना क्या होगा
कि अगर हम सपोज कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि हमने बता दिया कि ए बी और एक्स वाई दोनों इक्वल है, दूसरा हमने बता दिया कि वाई जेड और बी सी और वाई जेड ये दोनों इक्वल है, राइट। क्या क्या हमने बताया, देखो हमने बता दिया कि ए बी और एक्स वाई दोनों इक्वल है, दूसरा हमने बता दिया कि बी सी और एक्स वाई जेड ये दोनों इक्वल है। अब आपको कंपलसरी ये बताना पड़ेगा कि जो ये एंगल बी है और वाई है ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर आप दूसरे किसी एंगल को इक्वल बताते तो इस क्राइटेरिया के थ्रू नहीं पाया जाएगा, वो ये क्राइटेरिया आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंपलसरी आपको एंगल बी और एंगल वाई ही इक्वल बताना पड़ेगा, जिससे देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके आपको मिल जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, राइट। चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है। सेकेंड क्राइटेरिया आपका है एस ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। अब इसे शॉर्ट में याद रखना, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे ए होगा वहां पे हमें एक एंगल कहेंगे, जहां पे एस होगा साइड हम कहेंगे। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, तो पहले हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिससे हमें फाइंड करने में इजी हो जाए। ये सपोज कर लो आपको फाइंड हो गया ये पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। सपोज करो कि मैंने यहां पे बता दिया कि एंगल पी और एंगल एक्स ये दोनों इक्वल है, मैंने यहां पे दूसरा बता दिया कि एंगल क्यू और एंगल वाई ये इक्वल है। दो एंगल बता दिया हमने, देखो एंगल एंगल आ गया इसमें, दो एंगल हो गया। अब यहां पे क्या क्या हमने बताया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई। तो कंपलसरी हमें यहां पे इसी एंगल को इक्वल बताना होगा, सॉरी इसी साइड को हमें इक्वल बताना होगा एक्स वाई और पी क्यू को, क्योंकि इन दोनों एंगल्स के बीच में पी और क्यू के बीच में एंगल पी साइड पी क्यू आ रहा है और इन दोनों के बीच में साइड एक्स वाई आ रहा है। तो आपको ये कंपलसरी बताना पड़ेगा कि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ही आप इस क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये क्राइटेरिया आपके किसी काम का नहीं है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखो ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और इन दोनों क्राइटेरिया अप्लाई करोगे तो आपको फाइंड हो जाएगा पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस टू एक्स वाई जेड, ओके। चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्राइटेरिया आपका है एंगल एंगल साइड। तो यहां पे भी हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहां पे देखो एंगल एंगल है, इसका मतलब हमें टू एंगल्स को इक्वल बताना है। सपोज करो कि मैंने यहां पे बता दिया कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, दूसरा मैंने बता दिया कि एंगल वाई और एंगल आर ये दोनों इक्वल है, एंगल वाई एंगल आर, राइट। अब यहाँ पे बचा आपका एक साइड। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं हमको यही ही बताना है, जैसे हमें आगे के दो क्राइटेरिया में दिया गया, तो ऐसा कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप किसी भी साइड को इक्वल बता सकते हो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो आपका एक्स वाई है, सॉरी वाई जेड है, ये इक्वल है। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया
कि जो आपका वाई जेड है ये इक्वल है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये पी क्यू के इक्वल में है, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि वाई जेड और पी आर के इक्वल में है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको क्या मिला, ये मिल गया आपको एंगल, ये मिल गया आपको एंगल, और ये मिल गया आपको साइड। तो ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो कि ये जो आपका एंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, वो कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो, ध्यान दो कि यहाँ पे एक्स के इक्वल में क्यू है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स, राइट। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस ले लेते पहले, एक्स के सामने क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आएगा। वाई के सामने आर है, तो यहाँ पे अगर आप वाई लेते हो तो यहाँ पे आएगा आर। जेड के सामने आपका क्या है, पी है, हमने उल्टा लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जेड बचता है तो वहां पे क्या बचेगा, पी बचेगा, पी आर लिखो या आर पी लिखो। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे, बिकॉज क्योंकि हमने पहले ही रीड किया हुआ था, जब हम कॉन्ग्रुएंस रूल फाइंड कर रहे थे तो कॉन्ग्रुएंस रूल में ही हमने बताया था कि किसको हम करस्पोंडेंस जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो करस्पोंडेंस पार्ट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखो, अगर आप ऐसा लिख दे तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने लिख दिया कि एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो चेक करो कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहे हैं ये एंगल एंगल साइड से। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है आपका क्यू है, तो कंपलसरी आपका क्यू आ गया। यहाँ पे एक्स के साथ में क्यू है, जेड वाई के साथ में आर है, जेड के साथ में पी है। तो ये क्राइटेरिया अगर ये अगर कॉन्ग्रुएंस रूल लिखते हो तो ये आपका रॉन्ग होगा, आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड क्यू आर पी इज ए कॉन्ग्रुएंस, ओके। चलो नेक्स्ट देखते क्या है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो फोर्थ नंबर आपको दिया गया है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल है क्या, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिगर्स ट्राइंगल्स के। एम एन ओ पी क्यू आर, साइड 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 यानी यहाँ पे हमें तीनों साइड इक्वल बताना है। तो सपोज करो मैंने बता दिया कि एम एन इक्वल है पी क्यू के, एन ओ इक्वल है क्यू आर के, और पी आर के इक्वल में है एम ओ। तो यहाँ पे आपका तीनों साइड हो गया इक्वल, राइट। तो आपको यहाँ से मिल क्या गया, क्या मिला, एम एन इज इक्वल टू पी क्यू, एन ओ इज इक्वल टू क्यू आर, एम ओ इज इक्वल टू पी आर। तो यहां से देखो आपको मिल गया साइड साइड और साइड, इसका मतलब है अगर आप तीनों साइड को इक्वल प्रूव कर देते हो तो आपको मिल जाएगा एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है और इजी भी है, आप इसमें थ्री साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, बस हो गया आपका काम। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं क्या है क्राइटेरिया, नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया आपका है आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पहले वो बता दूं, तो यहाँ पे आपका आर का मतलब है राइट एंगल, क्या है इसका मतलब, राइट एंगल। एच का मतलब है हाइपोटेनियस और एस का मतलब है साइड। तो यहां पे आपको बताना होगा कि एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनियस सेम है और कोई भी एक साइड सेम है। तो अगर यहाँ पे राइट एंगल आपको बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉन्ग्रुएंस रूल है ये कहां पर अप्लाई होगा, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल पे होगा। चलो तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दो ले लेते हैं जिससे हमको इजी हो जाए समझने में। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने ले लिया
ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर। मान लो कि आपको यहाँ पे बी एंगल और क्यू एंगल 90 डिग्री दिया गया। चलो आपको फर्स्ट तो फाइन हो गया कि एंगल बी और क्यू राइट एंगल है। अब अगर आपको बताना होगा कि इसमें जो एसी है, क्योंकि हाइपोटेनस किसको कहते हैं, 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होता है उसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो कंपलसरी आपको बताना होगा कि ये जो एसी है और पीआर है ये दोनों इक्वल है। क्या बताना पड़ेगा, एसी इज इक्वल टू पीआर, राइट। थर्ड आपको, अब यहाँ पे आप स्वतंत्र हो, आप फ्री हो कि आप कोई भी दो साइड में से कोई भी इक्वल बता दो। जैसे आपने सपोज कर लिया कि यहाँ पे आपने बता दिया कि ये जो है BC ये इक्वल है किसके, PQ के, किसके इक्वल में है, PQ के। तो अब आपको यहाँ से मिलेगा क्या, आपने क्या बता दिया कि BC इज इक्वल टू PQ। अब आपको कौन कौन सा ट्राइंगल इसमें कॉन्ग्रुएंस मिलेगा, देखो यहाँ पे आपने A के साथ में, आपके A के साथ में R है। चलो आप नहीं पता चले तो आप पहले ले यहां से B से ले सकते हो Q, तो यहाँ पे आपका हो गया B और Q। दूसरा आप देखो यहाँ पे C और दूसरा क्या है CP, राइट। देखो यहाँ पे BC अगर आप लेते हो, यहाँ पे सपोज कर लो आपने BC लिया है तो BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, QP होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। BC इज इक्वल टू आपने क्या बताया है, PQ बताया है, तो BC इज इक्वल टू PQ हो गया। थर्ड आपका क्या बचता है, A, A हो गया ये, तो लास्ट आपका बचा क्या, R, राइट। तो BCA और QPR ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर आपको इसी में लिखना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहां से फाइंड कर सकते हो कि आपका ए के साथ में क्या है, आर है, बी के साथ में क्या है, क्यू है, और सी के साथ में क्या है, पी है। तो यहां से अगर आप ए बी सी का कॉन्ग्रुएंस लेते हो तो आर क्यू पी फाइंड होगा। तो ये थे क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। सो आई थिंक गाइज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है कि या कुछ भी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक खास बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।